प्रीति लगा के भूल ना जाना। ए जाते हो तो जल्दी आना, मेरी प्रीति बनी ही रहे। एक नहीं आ, मेरी प्रीति बनी ही रहे, सांवरिया तेरे लिए। मैंने प्रीति दुनिया से नहीं लगाई ठाकुर, मेरी प्रीति तो तेरे चरणों से लग गई। ओ मेरी प्रीति बनी ही रहे, सांवरिया तेरे लिए। दुनिया को न जाने कौन कौन से रंग भाते हैं प्यारे, मुझे तो वो श्याम रंग भा गया, मुझे तो वो कृष्ण रंग भा गया, वो काला ही मुझे प्यारा है, वो काला ही मुझे प्यारा है, वो सांवरा ही मुझे प्यारा है, मुझे दुनिया से क्या लेना। मुझे दुनिया से क्या लेना। अब भक्त की ये स्थिति बताई गई प्यारे महात्म में, भगवान नाम का महात्म्य इस भागवत का। भगवान कहते हैं अगर मेरे नाम से इतना प्रेम हो जाए किसी जीव को, भागवत से अगर किसी को इतना प्रेम हो जाए प्यारे, विलक्षण प्रेम है भागवत का। उत्तर रामचरित में बहुभूति दूसरे सर्ग के 19वें श्लोक में कहते हैं, न किंचिदपि पुरवाणः सुखैर दुःखान्यपोहति ततस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रयोजनः। कि जीवन के सुख दुख में जो समान रहे, सुख दुख में अद्वैत, समस्त अवस्थाओं में जो अनुकूल रहे, वार्धक्य भी जिसके आनंद को कम ना कर सके, वास्तव में जीव का भगवान के प्रति वही सच्चा प्रेम है। छिन्न में चढ़े छिन्न में उतरे वो मस्ती भी क्या मस्ती, जीवन में अगर एक बार जो चढ़ गई और फिर वो कभी ना उतरे, वास्तव में असली मस्ती तो वही है मेरे प्यारे। चढ़ के जो उतर गई वो मस्ती क्या मस्ती हो सकती है। शाम को चढ़ी सुबह उतर गई वो मस्ती मस्ती नहीं हो सकती, मस्ती तो केवल एक है और उस मस्ती की भी हस्ती है। कहा प्यारे डूबना ही है अगर तो फिर कृष्ण रंग में डूब जाओ, बाकी रंग तो फिर फीके पड़ जावे, कृष्ण रंग ही जीवन में चढ़ेगा और जिस पे चढ़ गए उसके ऊपर से फिर कभी ना उतरे। तभी तो महात्म में गाया गया, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाहं नरास्तेव ये अर्चयन्ति सदा मम। कितना मीठा महात्म्य है भागवत का। भगवान कहते हैं जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रह्लाद आदि विद्यमान रहते हैं। स्वयं प्रह्लाद करताल लेके वहां खड़े हो जाते हैं प्यारे। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से विलग हो जाते हैं, उनके ऊपर फिर कली का अधिकार नहीं होता। कलयुग किसके ऊपर आता है? कहा जिसका मन संसार में रमण करता है, परंतु जिसका मन हरि भक्ति में रमण करता है, जिसका मन कृष्ण नाम में रमण करता है, उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कहा क्या होगा भागवत सुन के? कहा प्यारे ये जो 4 घंटे हैं ना कथा के, कहा जीवन में कम से कम दिन के ये 4 घंटे तो
कम से कम इन चार घंटों में तो हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कम से कम इन चार घंटों में तो हम आत्म चिंतन कर हीले में यहाँ बैठ के आत्मा का जो चिंतन कराए बस वही भागवत है प्यारे। वहां पे भागवत में कहा गया आत्मा का पुत्र कौन है, यह आत्मा तो जाए तैसा ज्ञान, आत्मा का पुत्र ज्ञान है प्यारे। और वहां पे यहाँ पे भागवत में भी बतलाया गया भक्ति महारानी के भी दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आत्मा का जब जब इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप निकलता है तो वो ज्ञान के रूप में निकलता है, ज्ञान यही धात्वात जानने अर्थ में। और जानना किसको है, कहा स्वयं को जानना है। हम दुनिया को जानने के लिए चल पड़ते हैं, दुनिया के आडंबरों में हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं प्यारे। कहते हैं भगवान के कार्य में बहुत आकर्षण नहीं होते, और दुनिया के कार्य आकर्षणों से भरे पड़े हैं। दुनियावी आकर्षणों के परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते, परंतु भगवान नाम के कार्य के परिणाम सदा ही अच्छे होते हैं।